हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। आपको पता है हमने एक बेहतरीन सी सीरीज शुरू कर दी आपके लिए। हम इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं लाइन वाइज, और अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कवर कर लिया था पिछले चैप्टर्स में मनी। इसी यूनिट का एक सेकेंड चैप्टर आता है बैंकिंग, ठीक है। तो जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और गिन के इसमें छोटे मोटे तीन टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक सबसे बढ़िया है और जो बड़ा है वही क्वेश्चन आएगा। पहले लिख लो टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, दूसरा है फंक्शंस, कमर्शियल अंदर दो फंक्शंस होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। यही तीन टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। तो आपने बैंक्स के बारे में सुना होगा। जब भी बैंक का नाम आता है दिमाग में तो कई सारी चीज़ें आती हैं। SBI का नाम आता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, है ना, एक्सिस, कैनरा बैंक, PNB, ठीक है, इंडियन बैंक, बहुत सारे बैंक आते हैं भाई। तो ये बैंक है क्या? ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनका एक आम जनता से लेना देना होता है। आम जनता से लेना देना मतलब हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं भाई, देखो मम्मी पापा क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं भाई, इनकम जनरेट होती है, उसको कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, बाकी बैंक में जमा कर देते हैं, तो इंटरेस्ट आता है। ये हमने सुना होगा भाई, आपने से बहुत सारे लोगों से बैंक का काम भी करवाया जाता होगा, बैंक स्लिप, डिपॉजिट विड्रॉल स्लिप भरवाई जाती होगी अगर पापा मम्मी करवाते होंगे आपसे, ठीक। तो बैंक क्या है? एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम आम जनता डील करती है, पहली चीज हमारे पास जैसे लोग। दूसरा काम क्या होता है? या तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या तो बैंक आगे हाथ फैला के पैसा मांगते हैं कि भैया या तो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, या तो डिपॉजिट करेंगे या तो लोन मांगेंगे। तो इस हिसाब से बैंक की डेफिनेशन देखो क्या होती है। अगर बैंक की डेफिनेशन देखो तो क्या लिखोगे? कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जहां से फाइनेंस या तो लिया जाता है या तो दिया जाता है, या तो क्रेडिट या तो डेबिट, ऐसा समझो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर फाइनेंस का काम होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जिनसे भी हम फाइनेंस सेल या परचेज पैसा खरीदते हैं या बेचते हैं या एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट करते हैं, तो ये सारी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती है, ठीक है। तो अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन्स टू द पर्पस ऑफ लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का? कहना दो काम होते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर एक आम जनता एक्सेप्ट करती है, जहां पर वो आम जनता के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट्स भैया मैं पैसे लेके जाऊंगा बैंक में जमा करूंगा तो वो मेरा डिपॉजिट ही तो होगा। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड दे ग्रांट लोन्स टू द पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक को लोन क्यों दिए जाते हैं भाई? पब्लिक को दो तरीके के काम होते हैं भाई। मैंने काम, मुझे सर्वाइवल के लिए लोन चाहिए, कंजम्पशन करना है भाई, मैंने लोन ले लिया, एक हो गया। और दूसरा प्लांट और फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया सा,
और उसके लिए पैसे चाहिए होंगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले लिया। तो कह रहा है क्या डेफिनेशन देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, आम जनता से डिपॉजिट लेती है और गिव लोन टू और एंड गिव लोन टू द पब्लिक ऑल्सो, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये हो गया इसका मीनिंग। अब अगर तुम डेफिनेशन देखोगे ना तो डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है, डेफिनेशन अपने आप में ही कंप्लीट है कि दो काम है भाई, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पैसे डिपॉजिट करे पब्लिक से और पब्लिक को लोन दे। अब यही चीज बन जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कुल मिलाकर अगर डेफिनेशन पढ़ी तो दो चीजें समझ में आई कि कमर्शियल बैंक का दो काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन्स। अब डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं ये जान लो। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में अब हम डिपॉजिट किस तरीके के डिपॉजिट होते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं विच इज पेबल ऑन डिमांड। आम जनता क्या करती है भाई, मैं अपना पैसा बैंक में रखता हूँ, फिर एटीएम कार्ड भी तो ले लेता हूँ कि जब मर्जी तब निकाल लूँ। चेक फैसिलिटी भी तो होती है कि मैंने जब चेक काट दिया तो भैया पैसे देने, तो इट इज पेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट तो कर रहे हैं और हमें डिमांड, हमारी डिमांड पे वो पेबल भी होगा। तो इस हिसाब से कितने टाइप के होते हैं ये देखो, तो तीन तरीके से क्लासीफाई किया। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एक होते हैं सेविंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, हमारे तीन डिपॉजिट होते हैं, तीन तरीके के डिपॉजिट होते हैं। इसी तरीके से लोन भी बैंक देता है कई तरीके से। चलो लिख लो लोन कितने तरीके से देता है। लोन देता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में, है ना। शॉर्ट टर्म लोन देता है बैंक, फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कभी कभी देता है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक, नाउ एक एक करके सारे समझेंगे। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट के बारे में जान लो। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स को हम लोग करंट डिपॉजिट भी कहते हैं, करंट डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। करंट डिपॉजिट्स किनके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है। आओ भाई देख लो, तो सबसे पहले आता है करंट डिपॉजिट्स। देखो डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं इन्हीं को करंट डिपॉजिट्स कहते हैं। करंट डिपॉजिट्स का काम क्या होता है? बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। जब मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को डेली बेसिस पे कैश डिपॉजिट करना है और डेली बेसिस पे विड्रॉ भी करना होता है क्योंकि मेरी बिजनेस नीड्स होती हैं। तो बैंक एक सर्विस आपको देता है कि आप हमारे पास करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट खुलवाने से क्या होता है कि आपको एक सर्विस, कभी भी पैसा विड्रॉ करने के लिए और कभी भी पैसा डिपॉजिट करनी हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपको एक क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? करंट डिपॉजिट्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट डिपॉजिट्स। अब क्या होते हैं करंट डिपॉजिट, क्या होते हैं करंट डिपॉजिट्स? दीज आर द डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम बाय मीन्स ऑफ चेक, बाय मीन्स ऑफ चेक। अच्छा, मीन्स ऑफ चेक कह रहा है कि आप कभी भी पैसा विदड्रॉ करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना आपको, आपने डिपॉजिट करना है आप उतना डिपॉजिट करिए और कभी भी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ये सर्विस है, बैंक को फिर क्या मिलेगा सर? ऐसे तो आप कभी भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, बिजनेसमैन तो कभी भी डेली बेसिस पर पैसा डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा, बैंक को क्या मिलेगा? तो बैंक इसके लिए एक सर्विस चार्ज ले लेता है आपसे। तो बैंक क्या करता है, आपको लग रहा है आप पैसा डिपॉजिट करो डिमांड डिपॉजिट तो आपको बैंक पैसा देगा, ऐसे नहीं देगा, आपको सेविंग डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट डिपॉजिट क्या होता है? नो इंटरेस्ट इज पेड बट चार्ज फ्रॉम द डिपॉजिटर। आपसे बिजनेसमैन से कोई इंटरेस्ट
पे नहीं किया जाता है, बल्कि उनसे सर्विस चार्ज ले लिया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज काटा जाता है कि आपको हमने एक सर्विस प्रोवाइड करी कि आप कभी भी पैसा डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, एक करंट अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तीन बातें, डिमांड डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स बिजनेसमैन के लिए होता है क्योंकि उनको करंट अकाउंट ओपनिंग करनी होती है और डेली बेसिस पे खूब लार्ज ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, ठीक है, बल्क में ट्रांजैक्शन करने होते हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी और विड्रॉल द मनी, सो दे डू इट बाय चेक और द मींस ऑफ इंटरनेट, ठीक। थर्ड, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट। भाई फिक्स डिपॉजिट को कहते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट कैसे काम करता है? नाम ने सुना है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, तुमने सुना होगा कि मम्मी पापा क्या करते हैं कि भैया एफडी करा दी। एफडी करा दी क्या होता है हमारा, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने अपने पैसे को बैंक के पास रख दिया है। अब बैंक क्या करेगा, जब तक हमारी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी तब तक बैंक उसको यूटिलाइज करेगा, फर्दर लोन प्रोवाइड करेगा और हमें हाई रेट पे इंटरेस्ट देगा। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपका पैसा बैंक के पास डिपॉजिट रहे, उसको आप भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उल्टा सर्टेन चार्जेस काट के आपको पैसा आपका वापस किया जाएगा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर द टाइम डिपॉजिट्स। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपका पैसा डिपॉजिट होगा बैंक के पास और जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी तब तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जैसी मैच्योरिटी डेट आती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट जो कि कंपेरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू सेविंग, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आओ भाई देखो क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन फिक्स पीरियड। इसका एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा 1 अप्रैल 2023 को 1,00,000 रुपए जमा कराए हैं, मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम के हिसाब से। एक साल के लिए मैंने 1,00,000 रुपए की एफडी कर दी है। अब बैंक वो 1,00,000 रुपए अपने पास एक साल तक रखेगा, यानी अगले साल 2024 में 1 अप्रैल 2024 पे मुझे कितना पैसा मिलेगा? 1,00,000 मेरा प्रिंसिपल, 10,000 रुपए 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, 1,10,000 रुपए मेरी जेब में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, अब सेविंग्स में अगर इंटरेस्ट देखोगे तो 6% चल रहा है, 6.25 चलता है मैक्सिमम, यहां क्या है 10% मिल जा रहा है एक साथ, तो क्या है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट रेट एफडी में होता है सेविंग से, सेविंग में नहीं, सेविंग के मुकाबले एफडी में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आओ भाई, अब फिक्स डिपॉजिट की एक और टाइप होता है जिसको हम लोग आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी। वन ऑफ द टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट होता यह है, रिकरिंग डिपॉजिट होता यह है कि आप अपने अमाउंट को फिक्स्ड, आप जो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट समझो, मैंने कहा मेरे अकाउंट से आप हर महीने 2,000 रुपए आरडी कर दीजिए, तो हर महीने मेरे अकाउंट से 2,000 रुपए कटेंगे, वो एक आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में चले जाएंगे। कब तक? मैंने कहा 1 साल तक करना है, 1 साल तक मेरे अकाउंट से कटेंगे। मैंने 2 साल तक करना है, 2 साल तक कर दीजिए, 3 साल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम इंस्टॉलमेंट में एक पैसा, एक जगह अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। अगेन इस पे भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और भाई आरडी देख लो क्या होता है। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? कि मनी इज डिपॉजिटेड इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मंथली नहीं है, ये मंथली की जगह एनुअली, हाफ ईयरली भी हो सकता है कि हर 6 महीने पे मेरे बैंक से 10,000 रुपए कट जाने हैं। मैंने कहा 10 साल तक के लिए आप हर 6 महीने पे आप मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए लेते जाइए 10 साल तक। तो अब क्या हो रहा है कि हर साल मेरे बैंक अकाउंट से दो बार 10,000 रुपए कटेंगे 6 मंथ के बेसिस पे। अब मैंने कह दिया क्वार्टरली कर लो, तो भाई हर 3 महीने पे मेरे पास पैसा कट रहा है। मैंने कहा मंथली कर लो, तो हर महीने कट रहा है। तो ये क्या होता है, यहां पर इंस्टॉलमेंट में पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के पास मेरे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। इस पे भी बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, इस पे भी अगेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग। वी गेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग के मुकाबले तो हाई ही मिलेगा किसी भी एफडी में, क्योंकि बैंक के पास एक लंबे समय तक आप पैसा जब डिपॉजिट करते हो तो बैंक को भी एक सिक्योरिटी होती है कि अब वो पैसा फर्दर कहीं आराम से इस्तेमाल कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आओ भाई लास्ट वन,
सेविंग डिपॉजिट, भाई एक हो गया बिजनेसमैन के लिए, एक हो गया टाइम डिपॉजिट, ये भी हम ही सब करते हैं, एक होता है सेविंग डिपॉजिट जिसमें हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, हाउस होल्ड। हम जैसे लोग जब पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है भाई, बैंक आते हैं, बैंक का फॉर्म भरते हैं कि भाई हमें बैंक में पैसे जमा करने हैं, आप अपना सेविंग अकाउंट खोल दीजिए। सेविंग अकाउंट के साथ एक दिक्कतें होती है कि वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनमें। अब जैसे आप HDFC बैंक जाओगे तो वो कहते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलो, कि मुझे 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, कि 10,000 रुपये तो अकाउंट में पड़े ही होने चाहिए, उसके ऊपर आप चाहे जितना रखिए कोई टेंशन नहीं। या तो ये कह देंगे कि आप मिनिमम इतना, मैक्सिमम एक लिमिट दे देंगे कि इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते एक महीने में, या लिमिटेड अमाउंट ऑफ चेक फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, हाउस होल्ड्स के लिए होता है, इसमें कंपेरेटिवली फिक्स डिपॉजिट के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सेविंग डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसा मिल रहा है भैया, पैसा सेव है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो सेविंग डिपॉजिट्स क्या होती है, दीज डिपॉजिट्स आर जनरली हेल्ड बाय हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड्स कौन होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ विच डिपॉजिट्स ऑन विदड्रॉल ऑफ विच बैंक्स प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आप इतनी आसानी से विदड्रॉल नहीं कर सकते। अब वो रिस्ट्रिक्शंस कैसी हो सकती है, कह दिया कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, है ना, अगर मिनिमम बैलेंस से बिलो जाओगे तो भाई इंटरेस्ट कट जाएगा, चार्जेस कट जाएंगे, ठीक है। लिमिटेड लिमिटेड चेक फैसिलिटी दे दी कि महीने में 5 चेक से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, आप 5वें से 6ठा चेक काटोगे वो नल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप मिनिमम पांच चेक दे सकते हो। ये भी एक वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस हो गया। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे एडवांसिंग लोन। सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट। पर देखो कैश क्रेडिट क्या होता है, जब डिपॉजिटर को बैंक एक सर्टेन लिमिट तक सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कुछ लोन दे दे, कुछ पैसा दे दे, तो ये होता है कैश क्रेडिट। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर सिक्योरिटी है तो वो किस तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है, या तो किसी चीज का स्टॉक हो सकता है, या तो हमारे पास कोई अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी रखना जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी फ्री में पैसा नहीं देगा, तुमसे कुछ तो कहेगा भाई मेरे पास कुछ तो सिक्योरिटी रखो तभी तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये होता है हमारा कैश क्रेडिट। आओ अब सारे कैश क्रेडिट की सारी डिटेल लिख लो। क्या होता है कैश क्रेडिट, क्या कह रहा है, बोरोअर इज अलाउड टू विदड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट। बोरोअर is allowed to withdraw up to certain limit on a given security. सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल। अब ये क्या होती है, या तो हमने कह दिया स्टॉक दे दिया किसी बंदे ने, स्टॉक किसी चीज का, स्टॉक ऑफ गुड्स, या तो उसने कह दिया मेरे पास बिल्स रिसीवेबल पड़े हुए हैं, बीआर पड़े हुए हैं बहुत सारे, ले लो बीआर पड़े हुए, तो मैंने बीआर के अगेंस्ट में बैंक कभी कभी कैश दे देता है, ठीक। आओ बीआर क्या होता है, इसका फंडा भी डिस्काउंटिंग के टाइम पे पड़ेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स, बहुत आसान है। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं भाई, शॉर्ट टर्म लोन्स जो 1 साल 6 महीने 3 महीने के लिए बैंक पैसा देता है और बाद में इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। लिख लो, लोन ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज सैंक्शनड, लोन्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज सैंक्शनड, और जब लोन दे रहे हैं तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। ये दो बातें याद रखो, शॉर्ट टर्म लोन्स में इतनी कहानी काफी है। इसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट क्या है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बिजनेसमैन को मिलती है, यानी किन के लिए होती है, वो जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं हमारे। अगर करंट अकाउंट होल्डर हो तो तुम्हें कोई भी
करंट अकाउंट होल्डर हो तो आपको क्या होता है कि एक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है कि आप अपने करंट अकाउंट की जो लिमिट है उससे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए यानी बिजनेसमैन के लिए होती है। अगर मैं सेविंग डिपॉजिट लगाऊं अकाउंट में हूं, मेरे पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो, तो मैं क्या ये फैसिलिटी यूज कर सकता हूं? नहीं। ठीक, और लिख लो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। कह रहा है फैसिलिटी इज ऑलवेज दिस फैसिलिटी और सर्विस इज गिवन टू बिजनेसमैन और करंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक, कैसे दिया था? कह रहा है एडवांस दैट मीन्स लोन इज गिवन बाय अलाउइंग विदड्रॉल of his current account up to an agreed limit, एक agreed limit तक आप withdraw कर सकते हो। Suppose करो Ram is a current account holder in a bank with rupees 2 lakh, ठीक है, in his deposit, उसकी 2 लाख तक की लिमिट। He issued a check of rupees 3 lakh to his creditor. Now, कह रहा है उसके पास 2 लाख रुपए की लिमिट थी लेकिन उसने चेक कितने का दे दिया? 3 लाख रुपए का। तो अब इस केस में ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है हमारा? ओवरड्राफ्ट मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला है वो कितना है? 1 लाख। बैंक ने वो चेक को क्या बोलते हैं, ऑनर करेगा। अब जब उसका क्रेडिटर चेक लगाएगा 3 लाख का, तो बैंक ऐसा नहीं कि ये नहीं कहेगा कि इनके करंट अकाउंट में 2 ही लाख पड़े हैं, वो 3 लाख दे देगा। 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिया है बैंक ने, वो क्या है? वो है इसका ओवर ड्राफ्ट। अब बैंक इतना समझ प्यारा दोस्त तो है नहीं कि तुमने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाला और बैंक है कि बेटा ठीक है निकाल लो कोई दिक्कत ना हो। वो तुमसे क्या करता है इस ओवर ड्राफ्ट इस पर्टिकुलर बैलेंस के लिए क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। ठीक, क्योंकि है तो ये एक तरीके का लोन ही। ये हो गया ओवरड्राफ्ट। अब इसके बाद आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बता देता हूं क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि बिजनेसमैन बेसिकली ट्रेडर्स यूज करते हैं। कैसे? तो सपोज करो मैं अगर किसी से कोई सामान खरीदना चाहूं, कोई किसी ट्रेडर से कोई सामान खरीदना चाहूं, और मैंने कहा भाई साहब देखिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे नाम पे एक बिल बना दीजिए, तो वो मेरे को एक बिल की कॉपी बना के दे देगा जो मेरे लिए क्या होगा? पेबल, और उसके लिए क्या होगा? रिसीवेबल। उस बिल पे क्या लिखेगा कि ऋषभ शर्मा एक्स वाई जेड ट्रेडर को 1 लाख रुपए 3 महीने में डिपॉजिट करेंगे या देंगे। वो एक कॉपी अपने पास रख लेगा, एक कॉपी मेरे को दे देगा। मेरे को पे करने है तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? पेबल। सामने वाले को रिसीव करने, इसलिए उसके पास क्या होगा? रिसीवेबल। तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब नाउ मैंने 3 महीने का टाइम दिया था उसको कि मैं 3 महीने में दूंगा, लेकिन अगर सामने वाला ये कहे कि मुझे तुरंत पैसे चाहिए, अब तो मैंने बिल फाड़ दिया है, बिल तो मेरे पास आ गया है, तो वो क्या करेगा? वो बिल लेके बैंक के पास चला जाएगा। अब 1 लाख रुपए का बिल सपोज करो मैंने उसने मेरे ऊपर बनाया था, सामने वाला बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि ये लो 1 लाख रुपए का बिल है,
आप मुझे सिर्फ 90,000 दे दो, 3 महीने बाद ऋषभ से आप ले लेना। तो बैंक क्या करेगा, सारे बिल देखेगा सही है, बैंक उसको 90,000 दे देगा, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो मुझसे क्या करेगा, मुझसे कहेगा कि भाई साहब आपको 1,00,000 रुपये देने हैं। जब मैं 1,00,000 रुपये, बैंक ने बीच में 10,000 रुपये का मार्जिन ले लिया अपना। ये होता है बिल्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी वर्किंग क्या है ये मैंने आपको बता दी है, ये समझ लो, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेबल। ठीक, रिसीवेबल एक तरीके का असेट होता है, पे करना है जिसको तो उसके लिए क्या है लाइबिलिटी। बैंक क्या करते हैं, बैंक प्रोवाइड अ फैसिलिटी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिसीवेबल्स बिफोर मैच्योरिटी डेट। What do they get? They earn margin amount on the bills which is discounted by the payer or depositor. ये हो गया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके बाद आता है क्रेडिट क्रिएशन। चलो भाई देखो किस तरीके से मार्केट में क्रेडिट क्रिएट किया जाता है थ्रू कमर्शियल बैंक। सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि जब भी हमें तुम्हें लोन लेना होता है तो हम आरबीआई के पास जाते हैं कि एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस के पास जाते हैं, हम हमेशा कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। तो ये बात याद रख लो कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक कभी भी क्रेडिट सप्लाई नहीं करता है, वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है, सप्लाई नहीं करता, वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है, कितना मार्केट में लोन जाएगा कितना नहीं जाएगा ये सब आरबीआई के हाथ में। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है कि आरबीआई विच इज अ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ प्रोड्यूसर of the RBI act as a producer of the credit or produces money and commercial bank क्या करते हैं, acts as a supplier of money। फर्क समझिएगा दोनों में। हमें तुम्हें बैंक से जब पैसे चाहिए होते तो हम लोग एसबीआई पीएनबी के आगे लाइन लगाते थे, आरबीआई के आगे तो नहीं। तो आरबीआई क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मनी। ठीक है, इस तरीके से भाई उसके पास नोट इशू अथॉरिटी है, नए नोट छापने की भी अथॉरिटी आरबीआई को है। भाई कोई भी नोट तुम उठा के देखो, 100 का 50 का 10 का, सब पे ऊपर आरबीआई का ही नाम लिखा होता है। तो वो इशुअर है नोट का, लेकिन सप्लायर कौन होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, क्योंकि हम तुम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, आरबीआई से लोन नहीं लेते हैं। दूसरा, इट एक्ट एज अ सप्लायर ऑफ मनी इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब किस तरीके से होता है क्रेडिट क्रिएशन, इसके लिए कुछ 4-5 बेसिक्स हैं वो समझ लो। तो 4-5 बेसिक्स क्या है, पहला जो सबसे बढ़िया चीज है वो है हमारा इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट, तीसरा है लीगल रिजर्व रेशियो और जिसे हम LRR भी कहते हैं, और चौथा है मनी पब्लिक क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ऐसे समझो, इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है,
जैसे हम और तुम जाते हैं बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करने, तो जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं बैंक को, वो हमारे लिए इनिशियल डिपॉजिट है। हमने भैया बैंक को पैसे डिपॉजिट कर दिए, बैंक के पास जब वो पैसा आता है, बैंक क्या करता है, उस पैसे को उठा के लोन दे देता है। अब जब वो लोन देता है किसी को, तो ऐसा थोड़ी कि हमने कैश डिपॉजिट किया तो किसी और को भी कैश में ही दे देता है। नहीं, आप कभी भी बैंक से लोन लेंगे, जब भी बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देगा, ठीक है, आपको लोन प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको कभी भी कैश पैसा नहीं देगा। वो कहेगा कि ठीक है, हम आपके नाम का एक अकाउंट अपने बैंक में खोल दे रहे हैं एज अ लोन अकाउंट। तो अगेन उसने आप ही के नाम का, बोरोवर के ही नाम का अकाउंट खोला होता है, लोन अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब धीरे धीरे करके आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अगेन आप, बैंक ने आपको कैश नहीं दिया, अपने पास ही एक अकाउंट और ओपन कर दिया। तो जो सेकेंड अकाउंट ओपन किया है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट से ही आया था, उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तीसरा होता है लीगल रिजर्व रेशियो, ऐसा नाम सुनना इसका। अब इन सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आराम से, कि लीगल रिजर्व रेशियो और इन सब की बातें क्या है क्या नहीं, लिखने वाली वो सब कर लेंगे। लीगल रिजर्व रेशियो ऐसा समझो, अब अगर सर बैंक हमारे डिपॉजिट को अपने पास रखता नहीं है और लोन दे देता है, तो बाई चांस जब हमें पैसे चाहिए होते, तब बैंक कहाँ से पैसे लाता है? तो एक बैंक के पास हिस्ट्री तो होती है, पहली चीज ये समझिए। बैंक कभी इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि सारा पैसा उठा के एक बार में दे देगा। और आप भी जानते हैं कि अगर एक बार आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो अगले दिन तुरंत नहीं निकालते हो, थोड़ा टाइम तो लेते ही लेते हो, है ना। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो मिनिमम रिजर्व होता है जो बैंक अपने पास रखता है, ताकि डे टू डे स्मूथ फंक्शनिंग बैंक की चलती रहे। बाकी पैसा वो क्या कर देता है, जैसे 10 अगर डिपॉजिट किया है तो 20 अपने पास रखेगा, बाकी का सारा क्या कर देगा, लोन दे देगा। यही तरीका है बैंक का। तो जो पैसा वो अपने पास रखता है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है कि हर दिन कितना पैसा निकल रहा है मेरे पास से, तो उस हिसाब से वो अपना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलेगा कि इतना पैसा रखो, इतना तो डेली का निकलता है, बाकी जो एक्सेस में आ रहा है उसका क्या करना है, उसको लोन दे दो। तीसरा आता है, फोर्थ पॉइंट आता है मनी मल्टीप्लायर, कि कितने इनिशियल डिपॉजिट से कितना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना ज्यादा तुम पैसे बनाओगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग लोन, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। अब पहले मैं इसका प्रोसेस समझाऊंगा, बाद में एक एक की डेफिनेशन और कहानी जो चाहिए हो ध्यान से देखो, या चलो पहले डेफिनेशन लिख लो वरना दिक्कत होगी, तुम ही कहोगे कि समझ नहीं आ रहा। आओ सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है लिख लो। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट, जब सबसे पहला डिपॉजिट बैंक के पास पैसा पहुंचता है, उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। लिख लो, कह रहा है इट इज द इनिशियल डिपॉजिट इन कैश बाय द पीपल। इनिशियल डिपॉजिट इन कैश, अब ये देखो इनिशियल डिपॉजिट कैश में हो रहा है, बाय द पीपल इन द बैंक। बस दूसरा हमने क्या बताया, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंक ने इस इनिशियल डिपॉजिट को, जैसे सपोज करो 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट किया है, 200 रुपए अपने पास रख लिए, बाकी बैंक बाकी क्या किया, लोन दे दिया। अब जो लोन दिया है वो कैश में नहीं दिया है, अपने पास अकाउंट खोल दिया है। 1000 में से 200 अपने पास रखी, कितने दे दिया, 800 रुपए लोन। तो ये 800 रुपए लोन दिया है वो कैश में नहीं दिया है, अपने पास एक अलग से अकाउंट खोल दिया है। लो भाई सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या है ये सेकेंडरी डिपॉजिट, लिख लो। डिपॉजिट विच अराइजेज ऑन गिविंग डिपॉजिट्स विच अराइजेज ऑन गिविंग लोन्स बाय द बैंक। लोन्स बाय द बैंक, दूसरा लोन्स आर नॉट गिवन इन कैश, कभी भी कैश में लोन नहीं दिया जाता है, बट ओनली डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इज ओपेंड। एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है किसके नाम पे, जिसने लोन लिया होता है, इन द नेम ऑफ बोरोवर।
थर्ड इन द नेम ऑफ बोरोवर कह रहा है कि अब ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट है, जैसे जब हमने लोन दिया उसके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया, वही हमारा अकाउंट है सेकेंडरी डिपॉजिट का, जिसे हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, आओ भाई, इट इंडिकेट द डिपॉजिट ऑफ बोरोवर इन द बैंक, इंडिकेट द डिपॉजिट ऑफ बोरोवर द बैंक। आओ भाई, नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रेशियो, मिनिमम पैसा अपने पास बैंक जो रखता है ताकि उसकी फंक्शनिंग सही से हो सके, उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, है ना। लीगल रिजर्व रेशियो में लिखियो, बैंक्स नो बाय देयर एक्सपीरियंस, बैंक्स नो बाय देयर एक्सपीरियंस दैट ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट विदड्रॉ their money at the same time, ठीक, उनको भी पता है कि एक साथ सभी लोग तो सारा पैसा निकालेंगे नहीं, कोई ऐसा कर लेगा तो भाई इकोनॉमी नहीं खत्म हो जाएगी पूरी। हाँ, लेकिन डेली कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेली कितना पैसा निकल रहा है, वो उनको पास्ट हिस्ट्री से पता होता है, तो वो उतना पैसा बचा लेते हैं अपने पास कि भाई इतना पैसा बचा के रखो, डेली इतना तो निकल ही रहा है, बाकी पैसा जो एक्स्ट्रा लोग, अब डेली लोग जमा भी तो कर रहे हैं, तो डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ भी हो रहा है। हमने कहा विड्रॉ का हमारे पास रिकॉर्ड है कि हर दिन कितना विड्रॉ हो जाता है, तो हमारे पास ये भी रिकॉर्ड होगा हर दिन डिपॉजिट कितना हो रहा है। तो हम एक मिनिमम रेशियो मेंटेन करते हैं, बाकी पैसा क्या करते हैं, लोन दे दिया। चलो भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट ईयर है, दे कीप अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कि कितना रखना है वो एक कुछ पैसा डिमांड डिपॉजिट्स का जो आया होगा सेकेंडरी डिपॉजिट में, वो अपने पास रखते हैं, बाकी सब दे दिया लोन। इसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, इसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन का क्या नाम होता है, दैट रिजर्व जो बैंक अपने पास रख रहा है कि कहीं कोई लेने आ गया पैसा तो सबको, ऐसा ही नहीं कि मना करना पड़ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। आखिरी है हमारा मनी मल्टीप्लायर। देखो, मनी मल्टीप्लायर ऐसे समझो कि इनिशियल डिपॉजिट से तुम कितना ज्यादा पैसा बनाने वाले हो। किसी आदमी ने अगर तुम्हारे को 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है ना, समझना, तो उस बैंक से, बैंक उस 1,000 रुपये से कितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करता है, ये होता है मनी मल्टीप्लायर, कि कितना ज्यादा, तुम्हें 1,000 दिया तो तुम कितने गुना ज्यादा उसका लोन से क्रेडिट क्रिएट करोगे। तो मनी मल्टीप्लायर में लिख लो, मनी मल्टीप्लायर है हमारा मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट, इट शोज मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेस ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट, इंक्रीजेस ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट, कि टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेस ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट, जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ था उससे कितना लोन क्रिएट किया कि हमारा टोटल डिपॉजिट बढ़ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/ लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक, नोट करो। अब इसकी शेड्यूल देखो और फंक्शनिंग देखो, प्रोसेस क्या होता है, और ध्यान से समझेंगे। एक तरफ रखते हैं हम अपने प्राइमरी डिपॉजिट,
जिन्हें हम इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं। फिर लीगल रिजर्व रेशियो, हमने मान लिया 20%, और सेकेंडरी डिपॉजिट। आओ समझते हैं, बैंक के पास पहले राउंड में सपोज करो 1,000 रुपए डिपॉजिट हुए और बैंक ने कहा कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है। 20% लीगल रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या है कि बैंक अपने पास इस 1,000 रुपए का 20% अपने पास रखेगा, बाकी सारा क्या कर देगा, दे देगा। तो भाई 1,000 रुपए का 20% कितना हुआ, 200 रुपए बचा। 200 अपने पास रखा, बाकी कितना बचा, 1,000 में से 200 गया, 800 बचा। 800 उसने सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम पे जिसको चाहिए था दे दिए, एक अकाउंट खोला सेकेंडरी। अब जो किसी के लिए सेकेंडरी डिपॉजिट है बैंक के लिए, तो वही एट द सेम टाइम इनिशियल डिपॉजिट बनेगा, है ना भाई, लोनी का तो अकाउंट ट्रांसफर किया है। तो भाई यही 800 आगे चल के क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इसका 20% रख लो, कितना, 160, बाकी कितना दे दो, 640। फिर 640 हमारा क्या बनता है, प्राइमरी डिपॉजिट। फिर इसका भी 20% रख लेगा बैंक, 128, बाकी 512। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि हम पता कर लेते हैं मनी मल्टीप्लायर से। पहले ही पता कर लो कि मनी मल्टीप्लायर से अभी हम पता कर लेंगे कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। फॉर्मूला होता है 1/LRR, तो भाई 1/20% था, करो भाई 1/20/100, यही तो होता है, ये ऊपर चला जाएगा। आंसर क्या आएगा, 100/20 दैट इज 5। कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो तुम, 5 गुना। आया कितना था, 1000, 1000 का 5 गुना हो जाएगा। यानी कैसे होगा भाई, ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट जब तक 5000 नहीं हो जाता, ये 4000 और ये 1000, ठीक है। तुम सारे राउंड चलाते चले जाओगे, एक टाइम बाद सम करोगे तो सबका यही आएगा। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। अब इसके एग्जांपल्स आपके बहुत सारे दिए गए होंगे, आराम से इसको डिटेल में पढ़ना हो तो अपनी बुक रिफर कर सकते हो, लेकिन वर्किंग क्या होती है, यही होती है। अब मैंने यहाँ पर हर राउंड लेके नहीं गया, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आप इसको प्रॉपर जितने चाहे उतने राउंड लेके जाएं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझना है कि बैंक के पास जब पैसा आता है तो वो उसमें से कुछ पैसा काटता है जो कि इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और फिर बचा कुचा क्या करता है, लोन के फॉर्म में सेकेंडरी डिपॉजिट में डाल देता है। अब जब डिपॉजिट में डाला है तो वही तो किसी के लिए तो डिपॉजिट हुआ है ना, अकाउंट तो खुला है ना, बैंक ही के पास अकाउंट खुला है। लो भाई, उन्होंने वापस अपने दे रखा 800, अब वो भी डिपॉजिट है उनका, उसमें से कुछ पैसा वो दे देते हैं किसमें, लोन में, अपने पास रखते हैं, बाकी सारा लोन में। बैंक कभी भी एक साथ सारा पैसा नहीं देती लोन में। 50 लाख का लोन मांगोगे तो वो ऐसे नहीं कहेगी कि हाँ ये लो 50 लाख का डिपॉजिट मैंने अकाउंट में डाल दिया, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके डालेगी, पहले 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 30 लाख, इस तरीके से एक साथ कभी भी पूरा सैंक्शन करेगी, सैंक्शन कर देगी, लेकिन सेकेंडरी अकाउंट में एक साथ नहीं करेगी, ठीक। तो ये होता है वर्किंग कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर काम करता है, किस तरीके से मार्केट में क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। इसका बहुत सिंपल शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको ये 4 बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपने 4 बेसिक्स की डिटेल ले ली है, आपने शेड्यूल बना दिया, आपने मनी मल्टीप्लायर लिख दिया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।